यस फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वापस से 10 बजे हमारे 21 दिन के जर्नी के अंदर आज छठा दिन, जिस दिन हम वापस से एक नए थॉट के साथ मैं और आप डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे फ्रेंड्स, कल मैंने आपको बताया था कि ये वीडियो के अंदर आप अगर आपके पेरेंट्स के साथ होंगे तो ये बहुत ही यादगार एक वीडियो रहेगा आप सबके लिए। तो मैं अभी भी आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर अभी भी आप अकेले देखते हो तो आपके पेरेंट्स को आपके साथ ले लीजिए, या फिर आपके पेरेंट्स को भी ये वीडियो खास दिखाइए, और अब भी ना हो पाए तो बाद में आप उनके साथ बैठ के ये वीडियो को ज़रूर देखना। अब फ्रेंड्स, मैं आप सब लोग बहुत यूनिक ऑसम अप्रिशिएटेड रिस्पॉन्स दे रहे हो, तो आज मैं वापस एक दूसरे बच्चे को आपके साथ फीचर करने जा रहा हूँ जिसने बहुत बढ़िया तरीके से रिस्पॉन्ड किया था। जैसे मैंने मी टाइम की बात की थी कि आपके कोई हॉबी को करना चाहिए, तो उसकी हॉबी पेंटिंग थी, तो उसने एक अपना पेंट सीए रिलेटेड पेंटिंग बनाया, मिस्टर साहिल ने। अगेन, ये साहिल एक सीए इंटरमीडिएट का स्टूडेंट है। प्लस मैंने आपके साथ डे वन स्केड्यूलिंग की बात की थी, तो उसने बहुत बढ़िया स्केड्यूलिंग किया है, क्रिएटिव तरीके से, यूनिक तरीके से अपना स्केड्यूल सेट किया है। तो थैंक यू साहिल, आपने इतना कंस्ट्रक्टिव तरीके से किया, एंड मैंने आपके साथ सबके साथ फीचर किया। आप भी अगर ऐसा बढ़िया कुछ करते हो तो आप मेरे साथ शेयर करते रहना, राइट, जिससे मैं आपको भी यहाँ वीडियो में फीचर करूंगा, जिससे आपसे मोटिवेट होकर काफी सारे लोग बहुत कुछ अच्छा कर पाएंगे। फ्रेंड्स, हम 21 दिनों के अंदर एक नए इनिशिएटिव यानी कि बिट फॉर अ हैबिट के अंदर पॉजिटिव और प्रैक्टिकल बातें करते हैं, और हम हर रोज एक वीडियो के अंदर एक हैबिट फॉर्मेशन आइडिया, पॉजिटिव थॉट के ऊपर डिस्कशन, एंड एक रैंडम काइंडनेस एक्ट हर रोज हम देखते हैं। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, थोड़ा लंबा भी होगा 20 मिनट का, पर आपको एंड तक देखना है, बिकॉज ये आपकी लाइफ को इतना स्मूथ कर देगा, बिकॉज आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर बातचीत करने वाले हैं, दैट इज फ्रेंड्स इफेक्टिव डॉक्यूमेंटेशन। फ्रेंड्स, डॉक्यूमेंट्स सबके लिए इंपॉर्टेंट है, कोई कहने की जरूरत नहीं है, डॉक्यूमेंट्स खुद बोलते हैं, राइट, पैसा बोलता है और डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं। दूसरा फ्रेंड्स, इतनी सारी दिक्कतें डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड आती है कई बार, जैसे कि हमारा डॉक्यूमेंटेशन बहुत खराब होता है, यानी हम अच्छी तरीके से, आप सब लोग डॉक्यूमेंट्स रखते ही होंगे, पर बेहतर तरीके से कैसे रखें। कई बार डॉक्यूमेंट्स खो जाते हैं, कई बार हमें जहां जाना होता है, फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा एडमिशन के लिए जा रहा है, डॉक्यूमेंट्स ले जाना भूल गया, आप अगर पासपोर्ट निकलवाने जाते हो डॉक्यूमेंट्स लेना भूल गया, आप वीजा के लिए जाते हो डॉक्यूमेंट्स लेना भूल जाते हो, तो सही समय पर आप भूल जाते हो, कई बार डॉक्यूमेंट्स चोरी हो जाते हैं, कोई नेचुरल कैलामिटी आती है उसमें डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें मैं नहीं चाहता कि आप फेस करो, और उसी के ऊपर फ्रेंड्स आज का वीडियो है। सो मैंने चाहा था कि आप आपके पेरेंट्स आपके फैमिली के साथ देखो, बिकॉज दिस इज अ वीडियो फॉर यू ऑल। प्लस फ्रेंड्स, हम आगे बढ़े उसके पहले मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये जो वीडियो है ना, ये दो पार्ट में, आज का वीडियो स्टेज वन है, और एक दो दिन के बाद मैं आपके साथ बैकअप की बातें शेयर करूंगा, वो इस वीडियो को ऐड करेगा, वो स्टेज टू होगा। ये दोनों चीज फ्रेंड्स लाइफ में परिवर्तन ला देगी, और कभी संकट के समय में आपको ये हेल्प आएगा, और सच में आप तब मुझे याद करोगे कि ये सर ने बहुत अच्छा एक सिखाया था जो, और फ्रेंड्स आप सब लोग ये जानते भी होंगे, पर आज तक होता क्या होगा, आप सबके पास ये करने का समय नहीं होगा। अभी तो फ्रेंड्स 21 दिन आपको मिले हैं जिसमें आपको ये करना है, और बिलीव मी फ्रेंड्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, आप सबको करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू डॉक्यूमेंटेशन। अब फ्रेंड्स, पहले मैं आपको कुछ लिस्ट बताता हूं कि कितने प्रकार के अलग अलग डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होने चाहिए अलग अलग फोल्डर्स में। एक आइडेंटिटी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, ये सबके ऊपर मैं अलग से डिस्कशन करता हूं, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, बिजनेस रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, बैंक के डॉक्यूमेंट्स, असेट्स के डॉक्यूमेंट्स, इन्वेस्टमेंट के डॉक्यूमेंट्स, टैक्सेशन के रिकॉर्ड्स, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड पासपोर्ट फोटोग्राफ्स। फ्रेंड्स, इतने अलग अलग प्रकार के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, राइट, जिसके ऊपर हम आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, और फ्रेंड्स बाद में आप इसका लिस्ट शांति से डायरी में बना सकते हो, और फिर क्या करना है वो मैं आपके साथ बातचीत आगे वीडियो में करता हूं, एंड तक बने रहना, बहुत इंपॉर्टेंट आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। अब मैं फास्ट फ्रेंड्स आपको ये जितनी मैंने 10-15 कैटेगरी बताई है उसके ऊपर मैं आपके साथ उसके अंदर क्या आता है वो बता देता हूं। जैसे कि सबसे पहले आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, तो इसमें क्या क्या आता है, बर्थ सर्टिफिकेट, घर में सभी का बर्थ सर्टिफिकेट, सभी के आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, इलेक्शन कार्ड, रेशन कार्ड एंड मैरिज सर्टिफिकेट, ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, आइडेंटिटी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हो जाएंगे। फिर फ्रेंड्स हम बात करें एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, तो आपकी 10th से लेकर हर एक इंपॉर्टेंट मार्कशीट, डिग्री सर्टिफिकेट, फ्रेंड्स बीकॉम करते हो ना तो बीकॉम की मार्कशीट्स आती है, पर एंड में बैचलर्स का डिग्री सर्टिफिकेट आता है, रिक्वेस्ट डिग्री सर्टिफिकेट एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट।
फिर फ्रेंड्स प्रोफेशनल, यानी कि मानो आप सीए करते हो तो आपका सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, अगर आप डॉक्टर होते हो आपके एमबीबीएस का प्रैक्टिस की डिग्री, आप लॉयर हो तो आपकी सनत की डिग्री, आपका मेंबरशिप सर्टिफिकेट, आपका मेंबरशिप कार्ड जो आपके इंस्टीट्यूट ने आपको दिया हो, और इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशंस जैसे किस दिन से आपको मेंबरशिप मिली और कोई भी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको एक अलग फाइल रखनी चाहिए। फ्री फ्रेंड्स अगर आपके पापा बिजनेसमैन हो या आप बिजनेसमैन हो तो आपका शॉप एस्टेब्लिशमेंट सर्टिफिकेट यानी गुमास्ता जरा, आपने जितने पार्टनरशिप डीड्स कोई सप्लायर के साथ अग्रीमेंट किया हो उसकी कॉपी, और आपके सारे ऑफिस के यूटिलिटी बिल जैसे प्रॉपर्टी टैक्स बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, वाटर बिल, ऐसे जो भी आपके बिल्स आते हो उसकी एक अलग फाइल होनी चाहिए। देन फ्रेंड्स असेट रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, यानी कि मान लो कार, तो कार की इनवॉइस, उसके वारंटी डॉक्यूमेंट्स, उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी, अगर आपने कार के लिए लोन ली हो तो वो लोन, एंड असेट स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट यानी कार हो तो उसकी आरसी बुक, या फिर मैं बात करूं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी का इनवॉइस नहीं होगा पर प्रॉपर्टी का दस्तावेज, राइट, प्लस प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी के लोन डॉक्यूमेंट्स, प्लस असेट स्पेसिफिक यानी एनएनओसी टाइटल क्लियर डॉक्यूमेंट, आप जिस सोसाइटी में रहते हो उसका शेयर सर्टिफिकेट, फिर सात बार का उतारा, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स उस फाइल के अंदर होने चाहिए। फिर फ्रेंड्स हम लोग सब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी, तो आपके घर में जितनी भी इंश्योरेंस पॉलिसी उसकी एक फाइल होनी चाहिए, फिक्स डिपॉजिट के सर्टिफिकेट्स, पोस्ट के सर्टिफिकेट्स, म्यूचुअल फंड के स्टेटमेंट्स, बिकॉज आज समय एसआईपी और सब कुछ करते हैं पर रेगुलर स्टेज पे हमें उसके स्टेटमेंट्स डाउनलोड कर लेने चाहिए, अगर आपके पास फिजिकल फॉर्म में शेयर्स एंड बॉन्ड्स पड़े हो तो वो, डीमैट के मंथली स्टेटमेंट, पीपीएफ की पासबुक, इन वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स आपने जितने लॉकर्स हो और लॉकर में जो रखा हो उसकी एक फाइल होनी चाहिए आपके पास, एक फुलस्केप होना चाहिए जिसमें आप सारा रिकॉर्ड रखते हो कि कौन से लॉकर में क्या पड़ा है। ये संकट के समय में बहुत इंपॉर्टेंट, ये कितना इंपॉर्टेंट होता है, आप वो किसी बैंक में एम्प्लॉय काम करता हो तो उसको आप पूछ के कभी देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फ्रेंड्स। फिर अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स जैसे आपका या किसी के अकाउंट्स लिखे जाते हैं तो ट्रायल बैलेंस, पीएनएल, बैलेंस शीट, ऑडिट रिपोर्ट अगर ऑडिट होता हो तो, और उसके रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट जो चलन्स वाउचर्स हो वो आपके पास होने चाहिए। फिर फ्रेंड्स कुछ मंथली डॉक्यूमेंट्स यानी ये हर महीने के या हर साल बदलते रहते हैं, जैसे हर साल के मेडिक्लेम्स, हर महीने के यूटिलिटी बिल, यूटिलिटी बिल यानी प्रॉपर्टी टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, वाटर बिल, गैस बिल, ये सब हर एक जगह होना चाहिए। प्रॉपर्टी टैक्स बिल बहुत इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स आप जिस फ्लैसी सोसाइटी में रहते हो वहां आप जो मेंटेनेंस भरते हो उसके रिसिप्ट भी आपके पास होनी चाहिए। दिस आर मंथली डॉक्यूमेंट्स और ये मंथली डॉक्यूमेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिर फ्रेंड्स कुछ मेडिकल डॉक्यूमेंट्स, ब्लड रिपोर्ट का ग्रुप मीन्स ब्लड ग्रुप का रिपोर्ट, अगर कभी भी ऑपरेशन हुआ तो ऑपरेशन की एक अलग फाइल होनी चाहिए, मान लो एक्स वाई जेड इंसान का 5 बार ऑपरेशन हुआ तो उसकी अलग फाइल होनी चाहिए, मेडिक्लेम की पॉलिसी और जितने भी चेकअप के रिपोर्ट्स हो वो सब हर एक इंसान की अलग अलग फाइल होनी चाहिए। जिससे क्या होगा, मान लो कि एक्स वाई जेड को इमरजेंसी अटैक आया, ना करे गॉड ब्लेस आपके घर में किसी को ऐसा ना हो पर हुआ, तो आप जैसे हॉस्पिटल जाते हो वो फाइल लेके भागो, या आप पहले उनको हॉस्पिटल ले जाओ, घर पे से फाइल मंगवा लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और कई बार क्या होता है फ्रेंड्स हमारे पास ये रिकॉर्ड्स नहीं होते तो डॉक्टर को चेकअप करने में, अलग अलग टेस्ट करवाने में ज्यादा टाइम जाता है, और कई बार ये टेस्ट करवाए बिना अगर ऑपरेशन या कोई ट्रीटमेंट कर दी जाए तो रिएक्शन आके सुधरने की जगह इंसान और खराब परिस्थिति में आ जाता है। तो अगर ये फाइल आपके पास होगी और आप डॉक्टर को दे देते हो, मेडिक्लेम सब कुछ एक जगह हो, तो ये खराब समय में, संकट के समय में आपको बहुत हेल्प कर देता है। तो फ्रेंड्स ये भी एक फाइल आपके पास होनी चाहिए। प्लस फ्रेंड्स टैक्सेशन डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो इनकम टैक्स का रिटर्न, उसके एक्नोलेजमेंट की कॉपी, उसका कंप्यूटेशन, प्लस क्रूशियल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हो, जैसे आपने डिडक्शन क्लेम किया हो पॉलिटिकल पार्टी का तो उसकी रिसिप्ट, आपने डोनेशन तो डोनेशन की रिसिप्ट, आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो, जैसे आपने जीएसटी नंबर लिया हो तो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वो आपके पास होना चाहिए, कस्टम्स एक्साइज के डॉक्यूमेंट्स, प्लस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कोई भी डिपार्टमेंट के नोटिसेस आई हो, टीडीएस के रिकॉर्ड्स, ये सब आपके पास एक अलग फाइल में होना चाहिए। एंड फ्रेंड्स कुछ आखिरकार कुछ डॉक्यूमेंट्स जैसे कि बैंक लोन के डॉक्यूमेंट्स, प्रॉपर्टी के शेयर सर्टिफिकेट्स, बैंकिंग डॉक्यूमेंट्स, एंड बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स हर एक के 10-10 फोटोग्राफ हमेशा एक सेफ कस्टडी में होने चाहिए। एक्स्ट्रा आप यूज करो, वो 10 को कभी टच ही मत करो, जैसे आपके एक्स्ट्रा यूज हो जाए नए फोटो खिंचवाओ, वो 10 हमेशा संकट के समय के लिए रहने चाहिए, इमरजेंसी में वो आपको हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स कुछ अदर भी है, क्लब की मेंबरशिप कार्ड्स, जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं कोई कॉलेज के एसोसिएशन का मेंबर हूं तो उसका मेंबरशिप कार्ड सही जगह पे होना चाहिए, क्लब्स के अंदर आप मेंबर हो ये हर एक जगह के कार्ड्स भी एक जगह पे मेंटेन होने चाहिए। सो फ्रेंड्स मैंने आपके साथ एकदम फास्ट
डॉक्यूमेंट्स के लिस्ट के बारे में बात किया और मैं हो पाए तो एक दो दिन के अंदर मैं ये डॉक्यूमेंट का लिस्ट एक वर्ड फॉर्मेट में नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, जो आप डाउनलोड करके टिक मार्क भी करके उसे यूज कर सकते हो। प्लस फ्रेंड्स, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, आपको क्या करना है। एक दो दिन का टाइम लीजिए आप, आपके पापा, सब लोग बैठिए और मैंने जितने डॉक्यूमेंट्स बताए ना, चार अलग, घर में अगर आप चार लोग रहते हो तो चार अलग अलग फोल्डर रखो और चारों चार के मैंने जितने डॉक्यूमेंट्स बताए वो सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करो। सबसे पहला काम ये होगा फ्रेंड्स, करके देखना। मैं तो एक दो दिन बोल रहा हूं, तीन चार दिन लग जाएंगे। सबके डॉक्यूमेंट्स अलग अलग बनाओ। दूसरा आपको क्या करना है, जो बिजनेसमैन हो, जो प्रोफेशनल हो, बड़े लोग हो, वो लोग कैटेगरी वाइज फिर अंदर बाइफरकेशन करें एंड फिर आपको इसे प्रिजर्व करना है एक घर पे और ऑफिस पे। ओरिजिनल सारे घर पे रहे पर उसकी फोटोकॉपी जेरोक्स ऑफिस में रहनी चाहिए। और फ्रेंड्स, घर में ये सारे डॉक्यूमेंट्स कहाँ पड़े होते हैं वो भी घर में हर एक को पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, मुझे कुछ हुआ और मुझे हॉस्पिटल ले गए तो मेरी मेडिकल की फाइल कहाँ पड़ी है वो पता ही ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक फिक्स्ड ड्रॉवर होना चाहिए, फिक्स्ड कबोर्ड होना चाहिए जो सबको पता और सारे डॉक्यूमेंट्स वहीं पे होने चाहिए, इनवेरिएबली वहीं पे होने चाहिए। संकट के समय में ये सब आपको हेल्प कर जाएगा। प्लस फ्रेंड्स, क्या करना चाहिए, जो क्रूशियल डॉक्यूमेंट्स हो उसे किसी गेजेटेड ऑफिसर या कॉरपोरेटर या एमएलए के पास या कोई प्रिंसिपल के पास आपको अटेस्ट करवा के रखने चाहिए, एक एक कॉपी एटलीस्ट, जिससे कोई इमरजेंसी के अंदर, आज तो वैसे सेल्फ अटेस्टेशन चलता है पर कुछ कुछ जगह पे आज भी आपको ट्रू कॉपी चाहिए तो तब आपको ट्रू कॉपी करवाने ना जाना पड़े, आप वो ट्रू कॉपी को यूज कर सकते हो। प्लस फ्रेंड्स, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, जैसे मैंने आपको कहा, पांच पांच तो रिजर्व में रहने ही चाहिए। अब फ्रेंड्स, मैं बात करूं कि आपको इस डॉक्यूमेंट्स को कितने लेवल पे स्टोर करना है। तो एक होता है आपका ओरिजिनल कॉपी को पूरा पूरा वो सेट, फिर पांच एक जेरोक्स निकलवा दो, राइट, जिससे आपको क्या करना है, वो जेरोक्स की एक जेरोक्स का पूरा सेट ओरिजिनल के साथ रहेगा, एक जेरोक्स का पूरा सेट आपके घर पे रहेगा, एक ऑफिस में रहेगा और बाकी एक्स्ट्रा बचते वो आप आपके साथ रख सकते हो, जिससे आपके डॉक्यूमेंट्स का बैकअप रहेगा। एंड आपको एक और काम करना है फ्रेंड्स, ये हर एक डॉक्यूमेंट को आपको फोटो खींच लेना है। आप सबके मोबाइल में आप तो कैम स्कैनर और वैसे पीडीएफ स्कैनर्स होते हैं, स्कैन कर लेना है। और इसको क्या करना है वो हम एक और एक दो दिन के अंदर वीडियो आएगी बैकअप के रिलेटेड, उसमें बहुत डिटेल डिस्कशन करेंगे, जो मैं भी मेरे डे टू डे लाइफ में करता हूं मैं आपके साथ शेयर करूंगा, बहुत बढ़िया, आपको मजा आ जाएगा वो सुनने के बाद। एंड फ्रेंड्स, अगर आप चाहो तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स को लेमिनेशन भी करवा सकते हो, वो आपको डिसाइड करना है। अब फ्रेंड्स, आखिरी चरण पे आते हैं बैकअप। बैकअप में आता है फिजिकल एंड सॉफ्ट कॉपी। फिजिकल में मैंने आपको कहा आपको फोटो कॉपी करवा के रखनी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो उसकी फ्रेंड्स आप कलर जेरोक्स भी निकलवा सकते हो। प्लस बैकअप में दूसरा आता है सॉफ्ट कॉपी। कितनी जगह आपको बैकअप लेना चाहिए, तो मिनिमम चार जगह पे। कौन सी चार जगह? मेल के ऊपर बैकअप चला जाना चाहिए। मैं आज डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा, पर आपका मेल और फैमिली मेंबर्स का मेल, ये बैकअप के अलग सेशन में डिस्कस करेंगे। प्लस ड्राइव्स, जैसे गूगल ड्राइव हो, ऐसे बहुत सारे अलग अलग ड्राइव्स होते हैं, उसके ऊपर अपलोड हो जाना चाहिए। आपके कंप्यूटर्स में ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, पेन ड्राइव में सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। एंड व्हाट्सएप, ये क्या है, तो आप व्हाट्सएप में आपके फैमिली का एक छोटा सा ग्रुप बना सकते हो, जैसे मैं बना के रखता हूँ, और उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स आप शेयर करते हो, जैसे कहीं भी हो वहाँ पे अगर और कुछ गूगल ड्राइव नहीं हो पाया, पासवर्ड भूल गए, तो व्हाट्सएप से भी आप डॉक्यूमेंट्स को शेयर कर सकते हो। तो पांच प्रकार से बैकअप लेना है। मैं फ्रेंड्स आपसे निवेदन करता हूँ, इसके एक दो दिन के अंदर एक बैकअप का बहुत बढ़िया वीडियो आएगा, ये भी आपके पेरेंट्स के साथ फ्रेंड्स आप देखना। तो आज हमने सबसे इंपॉर्टेंट एक बात की, डॉक्यूमेंटेशन की, जिसके बारे में आपने पहले बहुत बार सुना होगा, बहुत बार सोचा होगा, पर समय नहीं था। इस बार समय है और आपको आइडिया दिया, ये दोनों का बेस्ट यूज करके आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने हैं। नाउ फ्रेंड्स, इफ वी टॉक ऑन पॉजिटिविटी ग्राउंड्स, तो देयर इज ओनली वन कॉर्नर ऑफ द यूनिवर्स यू कैन बी सर्टेन ऑफ इंप्रूविंग एंड दैट्स योर ओन सेल्फ। फ्रेंड्स, हम कई बार पूरी दुनिया को बदलने का इरादा रखते हैं, वो तो पता नहीं, पर पूरी दुनिया में एक छोटा सा कोना है जिसे आप जरूर बदल सकते हो अगर आपकी इच्छा हो, और वो है आप खुद। तो इसे किस दिन के अंदर हम प्रयास कर रहे हैं कि हम अपने आप जितनी काम कमियां, आप कह सकते हो कमियां हो, जितने लैक बैक्स हो, उसे हम इंप्रूव करने का प्रयास करें। और मैं बहुत हैप्पी हूं कि आप मेरे साथ जुड़े हो इन अ जर्नी ऑफ इंप्रूविंग योरसेल्फ। प्लस फ्रेंड्स, आज की रैंडम काइंडनेस सेक्टर जो डे वन में थी, आपको तीन बॉटल के अंदर पानी लेना है, राइट, और नीचे जाके नज़दीक में जाके, बहुत दूर तो मत जाना, बाहर भी मत निकलना, पर आप नज़दीक में जो तीन प्लांट्स हो उनको आपको पानी देना है, ये मिनिमम है, आप ज़्यादा भी कर सकते हो। दिस इज द रैंडम काइंडनेस एक्ट ऑफ द डे। सो फ्रेंड्स, दिस इज समथिंग फॉर टुडे।
खास बहुत इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं तो, अगर आप आपके पेरेंट्स के साथ देख रहे हो तो बहुत बढ़िया, पर अगर आप अकेले देख रहे थे तो आपके पेरेंट्स के साथ ये वीडियो शेयर करना, उनसे कहना कि वो भी ये वीडियो देखे। मैं हो पाए तो पूरा लिस्ट, चेकलिस्ट जो डॉक्यूमेंट्स का है वो मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर कर दूंगा। तीन टास्क है फ्रेंड्स, एक फोल्डर बनाने का टास्क डॉक्यूमेंट्स वाइज अलग अलग, वो आप अभी करोगे घर पे रहते हुए। दूसरा उसको मोबाइल में स्कैन करने का टास्क, वो भी आप अभी करोगे घर रहते रहते। हाँ, और जो जेरोक्स फोटोकॉपी करवाने का काम है वो अभी नहीं करना है फ्रेंड्स, स्टे होम स्टे सेफ। वो आपको कब करना है? जब लॉकडाउन खत्म हो उसके बाद। तो ये टास्क के ऊपर खास ध्यान देना। मेरे ख्याल से फ्रेंड्स आप मोटिवेट हुए होंगे वीडियो देख के, आपके पेरेंट्स भी अगर आपके साथ हो तो उनको भी नमस्ते। आप मोटिवेट हुए हो तो आप जानते हो मेरे लिए मोटिवेशन क्या है, तो दैट इज द लाइव कमेंट्स यू गिव। एंड अगर आप आपके पेरेंट्स के साथ देख बैठ के देख रहे हो तो आप एक सेल्फी उनके साथ खींच के कमेंट्स भी मुझे पर्सनली शेयर करना, आई बी ओवर देन हैप्पी। या वो लोग जब ये वीडियो देख रहे हैं तो ये उनका फोटो खींच के मुझे शेयर करना, दिस विल बी वेरी मोटिवेटिंग फॉर मी। मैं आपको आपके पेरेंट्स के साथ देखूं, खास करके कमेंट करना भूलना मत। और मैंने आपको कहा बैकअप का एक वीडियो आने वाला है जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। अंत में मैं आपको कहूंगा कमेंट करना, ये अपने हर एक फैमिली मेंबर के साथ शेयर करना और देखना कि वो देखे। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करना। ऑलमोस्ट मैं एक या दो दिन के अंदर एक दूसरा इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आने वाला हूं, जिसके अंदर मैं अब गेस्ट को बुलाने वाला हूं। जैसे मैं एक्सरसाइज की बात करूं तो मैं एक्सरसाइज करता हूं, एक प्रोफेशनल उसको बुलाऊंगा और वो आपके साथ शेयर करेगा। सो दैट्स वॉट आई एम डिस्कसिंग फॉर टूडे। थैंक यू अगेन फॉर बींग विथ मी। इफ स्टिल वी आर नॉट इन कनेक्ट, यू कैन फाइंड फेनल स्पार्क ऑन एनी ऑफ द प्लेटफॉर्म्स, यू फाइंड लेट्स गेट कनेक्टेड। माई नंबर इज 8905030507। आप इसके ऊपर आपके कमेंट्स, आपके फोटोग्राफ्स, जो रिव्यू लिखना चाहते हो लिख सकते हो, आप आइडियाज भी शेयर कर सकते हो। और हाँ, मैं आपको बता दूं, काफी सारे लोगों ने मेडिटेशन और कॉन्सेंट्रेशन कैसे इंप्रूव करें उसके बारे में बोला था, उसकी वीडियो बनने अभी रिसर्च चल रहा है, मेरा थोड़ा काम चल रहा है, वो खत्म हो जाए फिर मैं उसकी भी वीडियो लेके आपके साथ आ जाऊंगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। स्टे होम स्टे सेफ, एंड वेन यू आर विथ मी स्टे अपडेटेड एंड स्टे हैप्पी। See you soon in the next video. Thank you for being connected. Thank you.